हेलो माय फ्रेंड, सो मैं हूं शफकान और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक्टिव प्रोबी के बेनिफिट्स के बारे में। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रोबी होता है, दैट इज प्रोबायोटिक हम कहते हैं उसे। सो प्रोबायोटिक होता क्या है? प्रोबायोटिक एक्चुअली में एक लाइव बैक्टीरिया है। ओके, ये लाइव बैक्टीरिया होता है एंड स्पेशली आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो हम लोग वी यूजुअली थिंक ऑफ दीज एज जर्म्स, राइट, दैट कॉजेस डिजीज, बट योर बॉडी इज फुल ऑफ बैक्टीरिया, राइट। हमारी बॉडी जो है फुल ऑफ बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, राइट। सो प्रोबायोटिक्स आर ऑफन कॉल्ड गुड बैक्टीरिया। प्रोबायोटिक को हम कहते हैं गुड बैक्टीरिया। ओके, और जो हेल्प करता है हमारे गट को हेल्दी रखने के लिए। सो प्रोबायोटिक जो है वो आपको नेचुरली मिलती है, जैसे योगर्ट हो गया, छाछ, पनीर, खमीर, इन सब चीजों से प्रोबायोटिक मिलता है। अब लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो गई है कि एक्सेस यूज ऑफ मेडिसिन, स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया, राइट। तो ड्यू टू दिस या तो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो जब हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया कम होता है और बैड बैक्टीरिया बढ़ता है, तो इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया का हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है, जिसे बोला जाता है डिसबायोसिस। ओके, तो डिसबायोसिस हमारे बॉडी के अंदर एक तो खमीर को बढ़ा देता है और साथ में जो बैड बैक्टीरिया होता है उसको बढ़ाना शुरू कर देता है, जिसके कारण बॉडी में कुछ बीमारियां निकल कर आती है, जो IBS की प्रॉब्लम होती है, जिसे हम कहते हैं इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। तो ये एक IBS एक कॉमन डिसऑर्डर होता है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। ओके, सो इनके सिम्टम्स आप देख सकते हो, अगर क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल पेन हो रही है, या ब्लोटिंग, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, या डायरिया, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, तो ये सारे सिम्टम्स हैं IBS के। अब इसमें IBS की प्रॉब्लम भी हो जाती है, राइट, जब आपकी बॉडी में बैक्टीरिया का डिसबैलेंस हो जाता है। ओके, डिसबायोसिस जब हो जाता है तो IBS की प्रॉब्लम, जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, पाइल्स का रीजन भी होता है। अब ये जो एक्टिव प्रोबी है, इसमें इस हर एक कैप्सूल में 800 करोड़ गुड बैक्टीरिया है। फॉरएवर के एक्टिव प्रोबी के हर एक कैप्सूल में 800 करोड़ गुड बैक्टीरिया हैं। अब हर एक कैप्सूल के तीन लेयर हैं। जैसे हम कैप्सूल लेते हैं तो पहला लेयर जो है जो हमारे स्टमक में एसिड बनता है, राइट, तो फर्स्ट लेयर वहां पे खुलता है इस कैप्सूल का। सेकेंड लेयर स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है और वहां पर गुड बैक्टीरिया को रिलीज करता है ये कैप्सूल, जिसके कारण हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अच्छा होना शुरू हो जाता है, फिर जो भी हम खाते हैं डाइजेस्ट होना शुरू होता है। ओके, एंड थर्ड लेयर जो होता है वो हमारे बड़े इंटेस्टाइन में जाकर खुलती है, जो हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना शुरू कर देती है और बैड बैक्टीरिया को खत्म करना शुरू कर देती है, राइट। तो हर एक कैप्सूल में तीन लेयर होते हैं। पहला लेयर आपके स्टमक में खुलता है, वहां पे गुड बैक्टीरिया को रिलीज करता है ये कैप्सूल। सेकंड लेयर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, वहां पे गुड बैक्टीरिया को रिलीज करता है। उसके बाद थर्ड लेयर में बड़े इंटेस्टाइन में जाकर खुलता है, वहां पे गुड बैक्टीरिया को रिलीज करता है, राइट। सो इसके अंदर 6 तरह के बैक्टीरिया हैं, कुल 800 करोड़ बैक्टीरिया जो है, जिसे हम CFU बोलते हैं, 800 यानी 8 बिलियन CFU, 800 करोड़ CFU मींस होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ओके, तो इसके अंदर 6 तरह के बैक्टीरिया हैं, मैं नाम भी आपको बता देता हूं, लैक्टोबैसिलस। ओके, लैक्टोबैसिलस जो बैड बैक्टीरिया बन रहे हैं उसे बनने से रोकता है, साथ ही ये लैक्टिक एसिड और हाइड्रोजन परऑक्साइड को प्रोड्यूस करने का काम करता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद दूसरा बैक्टीरिया जो है उसका नाम है बाइफिडोबैक्टीरियम लॉन्गम। तो ये मैमल्स में पाया जाता है, जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे बॉडी से ये खत्म होता जाता है, 90% से 5% तक पहुंच जाता है। और तीसरा बैक्टीरिया जो है उसका नाम है बाइफिडोबैक्टीरियम लैक्टिस। अब ये पावरफुल बैक्टीरिया है, एक तो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है, साथ में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने का काम करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। चौथा बैक्टीरिया है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस रैमनोसस। बस जैसा आपको बैक्टीरिया का नाम बता दे रहा हूं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सो लैक्टोबैसिलस रैमनोसस जो है ये भी हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करने का काम करता है। अब ये लैक्टिक एसिड क्या है, हमारे बॉडी के pH को कंट्रोल करने का काम करता है और साथ ही हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेस या हाइपर एसिडिटी है उसको भी कंट्रोल करता है।
उसके बाद पांचवा बैक्टीरिया है जो लैक्टोबैसिलस बुल्गारिसस। तो ये हमारे बॉडी के अंदर जो लैक्टोज होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लैक्टोज प्रोडक्ट्स वो होता है जो दूध वाले प्रोडक्ट से बनता है। ओके, अब छठा जो बैक्टीरिया है दैट इज लैक्टोबैसिलस प्लांटम। ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में शील्ड की तरह काम करता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की सुरक्षा करता है, जिसके कारण जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो हमारे ब्लड में पहुंचना शुरू हो जाते हैं। राइट, तो ये कुछ मैंने आपको बताया। अब मैं आपको ये सारी चीज़ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट मैंने आपको बताया। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या फायदे हैं, पॉइंट वाइज हम देख लेते हैं। 10 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये आपके गट हेल्थ को करेगा, आपके हेल्दी डाइजेशन को प्रमोट करेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा। राइट, उसके बाद सेकंड पॉइंट है दैट इज एनहांस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। तो जो भी चीज़ें आप खाओगे आपकी बॉडी में लगेगी, सो ये आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के रेट को बढ़ा देगा। राइट, थर्ड जो है दैट इज इम्यून फंक्शन, ये आपके इम्यून फंक्शन को भी कम्प्लीटली सपोर्ट करेगा। राइट, एंड फोर्थ पॉइंट दैट इज हेल्प्स मेंटेन ए हेल्दी बैलेंस ऑफ गट बैक्टीरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कैप्सूल में 3 लेयर होते हैं, पहला लेयर, दूसरा लेयर और तीसरा लेयर। राइट, तो आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया को रिलीज करता है। हर एक कैप्सूल के अंदर 800 करोड़ गुड बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ सर्टेन इन्फेक्शंस। मतलब किसी भी तरह का इन्फेक्शंस है तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा उस इन्फेक्शंस को धीरे धीरे करके सही करने में या ख़त्म करने में। ओके, आपकी बॉडी से। अब ये कैन इम्प्रूव सिम्टम्स ऑफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। राइट, इट कैन इम्प्रूव सिम्टम्स ऑफ जो भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स है। राइट, तो उसको आपको धीरे धीरे करके उसमें उसको क्या करेगा, आपको उसमें भी हेल्प करेगा उसको डिसऑर्डर को सही करने में। उसके बाद ये आपका इन्फ्लेमेशन, अगर गट वगैरह में कहीं पे इन्फ्लेमेशन वगैरह है तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा, आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेगा। ये आपके मेंटल हेल्थ और मूड को भी काफ़ी अच्छा रखने में हेल्प करता है। उसके बाद ये रिस्क ऑफ सर्टेन क्रोनिकल डिजीज जो होते हैं, राइट, तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं, उसमें भी आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो। एंड ये ओवरऑल गट हेल्थ और वेलबींग को इम्प्रूव करता है। राइट, सो ये 10 पॉइंट थे। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर कोई भी क्वेश्चंस आपका इस वीडियो से रिलेटेड, कमेंट करो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। अगर आपको प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो कम्प्लीटली ऑनलाइन तो भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो व्हाट्सएप पे। ओके, ज़्यादा जानकारी के लिए। ऑलराइट, तो टिल देन खुश रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।